स्टूडेंट फोर फोर नंबर का क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ जीरो इज जीरो। यस, अपोजिट और जीरो के अपोजिट जीरो होती क्या? हाँ, जीरो के अपोजिट जीरो ही है। सॉल्यूशन है, एक मिनट में। नहीं, द अपोजिट ऑफ जीरो, जीरो के अपोजिट जीरो है क्या? नहीं, जीरो के अपोजिट हम देखेंगे तो इंटीजर है, माइनस के हैं और प्लस के हैं, तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव कर रहे हैं। ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव, ये भी रॉन्ग है, ये भी फॉल्स आएगा। वो कह रहा है कि सारे जो होल्स नंबर होते जीरो वन टू थ्री, तो वो क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर होते? नहीं, सॉल्यूशन फॉल्स, फॉल्स, बिकॉज ऑल होल नंबर, बिकॉज होल नंबर नंबर्स कैन बी नेगेटिव। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर आपका इस तरीके से फर्स्ट ट्रू फॉल्स वाला कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे बात किसकी? क्वेश्चन नंबर टू की। राइट इंटीजर टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, राइट इंटीजर लिखना है, रिप्रेजेंट करना है द फॉलोइंग सिचुएशन, फोर डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, जीरो के नीचे फोर डिग्री सेंटीग्रेड से जीरो के नीचे क्या होगा? तो माइनस फोर होगा, मतलब फोर डिग्री सेंटीग्रेड बिलो, फोर डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे क्या होगा? जीरो के नीचे क्या होगा? माइनस फोर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, राइट इंटीजर टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, सॉल्यूशन होगा इसका, देखो स्टूडेंट, जीरो से नीचे तो देखो ये मान लेते जीरो है, और ये फोर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का बताया, तो टू थ्री और फोर, अब जीरो से नीचे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। नहीं स्टूडेंट, टू माइनस थ्री और माइनस फोर, तो राइट इंटीजर टू रिप्रेजेंट फॉलोइंग सिचुएशन। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन था फोर डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, तो जीरो के नीचे क्या आएगा? माइनस फोर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सेकंड, 100 मीटर अबॉय सी लेवल 100 मीटर से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सी लेवल के ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 मीटर ऊपर जाएंगे तो माइनस 100, क्योंकि टेम्परेचर घटता चला जाएगा उधर जा करके, है नहीं? तो अब विन बाय थ्री गोल से जीतना तो क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। 578 लॉस का मतलब होता घाटा, तो माइनस 578 हो जाए। 8 सेकंड बिफोर लिफ्ट ऑफ ड्यूरिंग ए स्पेस फ्लाइट, एक स्पेस फ्लाइट के लिफ्ट होने के 8 सेकंड पहले, तो 8 सेकंड पहले तो माइनस हो जाएगा, 8 सेकंड पहले। ठीक है, तो ये भी माइनस हो गया। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पे गिवन बिलो इज ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट इंटीजर, मार्क एंड राइट, मार्क करना है और राइट द इंटीजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट। ये जो पॉइंट दिए गए हैं इनको हमें मार्क करना है और इनको लिखना भी है। देखो यहाँ जीरो दे रखा है और यहाँ प्लस के 6 तक दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब वो ये
कह रहा है कौन सा मार्क किस इंटीजर पे आ रहा है, नेगेटिव पे आ रहा है कि पॉजिटिव। ए, उसने कहा ए जो है वो कहाँ पे आ रहा है, देखो जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस के आएंगे तो ये कौन से पॉइंट पे आ रहा है, 1 2 3 माइनस थ्री, ये कहाँ पे आ रहा है माइनस थ्री, तो ये हो गया। अब बी, बी कहाँ है, ये 1 2 3 तो ये प्लस के पे जा रहा है, ठीक है। सी, सी 1 2 3 4 सी 4 पे जा रहा है। डी 1 2 3 4 5 ये माइनस की ओर चला गया। तो ऐसे करके स्टूडेंट देखना है। तो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो फिर स्टूडेंट इसमें कहा गया -4 इज एन इंटीजर बिटवीन -4 एंड 4, वो कह रहा है -4 और 4 के बीच का इंटीजर क्या -5 है, नहीं हम चाहे कैसे भी देख ले -4 के बाद ही 5 आएगा, है नहीं, -5 आएगा। देखना, देखो 0, और 0 जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर में भी आता है और नेगेटिव में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। 1 2 3 4 और 5, इसमें करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। स्टूडेंट देख सकते हैं -5 को उसने कहा कि -5 इज एन इंटीजर बिटवीन -4 एंड 4। देखो 4 यहाँ आ गया, -4 यहाँ आ गया, 5 उसके बाद आ गया, कहाँ -4 और 4 के बीच में कहीं इंटीजर -5 आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स, फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स। -5 इज नॉट एन इंटीजर बिटवीन -4 एंड 4, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 3 है 0 इज टू द लेफ्ट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर देखो स्टूडेंट हम इसी में देख लेते हैं, वो कह रहा है कि 0 इज टू द लेफ्ट ऑफ एवरी नेगेटिव, क्या 0 जो है वो प्रत्येक नेगेटिव इंटीजर की तरफ है, लेफ्ट की ओर है, नहीं, 0 पॉजिटिव वो राइट हैंड साइड की भी तरफ आता है और 0 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी आता है, क्योंकि 0 क्या है, सेंटर पॉइंट है उसका 0, तो 0 क्या है, माइनस नेगेटिव इंटीजर को भी डिनोट करता है और 0 पॉजिटिव को भी करता है। तो सॉल्यूशन में लिख देंगे फॉल्स, क्या कर देंगे, फॉल्स लिख देंगे, बिकॉज 0 इज कम्स बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स मैंने इसके पहले जो वीडियो सेंड किया था आपको, एक्सरसाइज 3F का वीडियो मैंने कंप्लीट सेंड कर दिए थे और इजी एक्सरसाइज थी, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था उसमें कुछ भी, और मैंने लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी की थी उसमें, ठीक है। अब आज हमको एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करेंगे और 4A चैप्टर का जो नाम है वो है नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर, नेगेटिव नंबर एंड
इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट चैप्टर इजी है। इंटीजर का की प्रोसेस मैंने शायद आपको कि जाने सेवेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर था उसमें इंटीजर आया था स्टूडेंट। नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर्स की जब भी बात होती है तो हमें सारी चीज़ें नंबर लाइन पे शो करने पड़ती है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है उनको। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करते जाऊँगा, समझाते जाऊँगा आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आंसर देने हैं हमें ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट, -16 इज टू द राइट ऑफ -20 ऑन द नंबर लाइन। वो कह रहा है कि -16 इज टू द राइट, क्या -16 जो है राइट में होगा ऑफ -20 ऑन द नंबर लाइन, -20 नंबर लाइन पर -20 के क्या -16 जो है वो राइट साइड में होगा। तो हम देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करके ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। हम इसको नाम दे देते एक्स और इसको दे देते एक्स एस। स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये जो बिटवीन पॉइंट इसका होता है वहाँ हम रिप्रेजेंट करना पड़ता है 0, और ये साइड होती है हमारी राइट हैंड साइड और ये हमारी होती है लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो माइनस के होते हैं और राइट हैंड साइड के जितने भी होते हैं वो होते हैं प्लस के, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हम इनको दर्शाना है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें किसकी बात करनी है, -16 और 20। तो स्टूडेंट क्यों ना समझना, मैं यहाँ से -15 से ले लेता हूँ, यहाँ मैंने ये गलत दिखा दिया, ये समझो यहाँ डायरेक्टली हमें कर लेना था 15, 16, 17 ऐसे, या हम इसको 11, 12, 13, 14 फिर आगे चले जाएंगे तो 15, फिर आगे चले जाएंगे तो 16, फिर और आगे चले जाएंगे तो 17, इस टाइप से हमको। तो हमारा कहने का मीन ये था कि जो राइट हैंड साइड के इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के माइनस होते हैं। यहाँ पे हम माइनस का दिखाएंगे तो -16, -17, -18, -19 और -20। स्टूडेंट देखो वो ये कह रहा था कि 16 जो है वो क्या वो 20 की राइट हैंड साइड में, देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे स्टूडेंट तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ पूछ रहा है तो वो कौन सी साइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं यस -16 इज राइट हैंड साइड, राइट इज राइट साइड साइड ऑफ द ऑफ -20। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है -5 इज एन इंटीजर बिटवीन -4 and 4। तो सब कोई मान बाटर है क्या है,